बैंक के एटीएम में कैश डालने गए थे टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड 16 लाख कैश लेकर फरार। आपको बता दें कि कैश लेकर सीएमएस की वैन बोरिंग रोड चौराहा पर स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम में कैश डिपॉजिट करने पहुंची थी। वैन में 16 लाख रुपए कैश छोड़कर बाकी सब कैश लेकर दो टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड आईडीबीआई बैंक के एटीएम में गए। उस वक्त ड्राइवर सोनू वैन को आगे में साइड लगाने की बात कर बढ़ गया, लेकिन आगे जाने के बाद वह रुका नहीं। जब वह शातिर वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड में पंचमुखी मंदिर के पास पहुंच गया तो वहां उसने रुपयों से भरे बक्से का लॉक तोड़ा, फिर उसमें रखे करीब 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। साथ ही उसने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया। दूसरी तरफ एटीएम में रकम डालने के बाद जब टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड वापस रोड पर लौटे तो उन्हें न तो कैश वैन दिखा और न ही ड्राइवर सोनू मिला। तब उन्हें अनहोनी का शक हुआ, फिर अपने ऑफिस को जानकारी दी। तब जीपीएस के जरिए कंपनी के स्टाफ ने वैन को पंचमुखी मंदिर के पास से ढूंढ निकाला, साथ ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में एसके पुरी थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं सोनू के घर पर जब पुलिस पहुंची तो वहां उसके घर पर ताला लटका मिला। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।